हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर क्रिएटिव वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे सिनेमेटोग्राफी कर सकते हैं, कैसे वीडियो को एडिट कर सकते हैं और कैसे एक नॉर्मल वीडियो को सिनेमेटिक फील दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि आपको सभी कुछ फॉलो करना है और वीडियो को बहुत ध्यान से आखिर तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरे हाथ में अभी मोबाइल फ़ोन है वो है Redmi K20 Pro, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि आपके पास कौन सा मोबाइल है और इसी मोबाइल फ़ोन पर मैं अपनी वीडियो एडिटिंग करता हूं। तो नॉर्मली हम सभी के मोबाइल फ़ोन में एक कैमरा एप्लीकेशन पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड आता है, आपको उस कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और अभी मैं आप लोगों को एक थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन भी सजेस्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी जितना भी मैं कुछ बताने वाला हूं हो सकता है आपके डिफ़ॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन में वो चीज़ सपोर्ट ना करे। तो नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो हम लोग गलती करते हैं फोटो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम, वो ये करते हैं कि हम अपने कैमरा ग्रिड लाइंस होती हैं उन्हें ऑन नहीं करते हैं। उन्हें ऑन करने से ये होता है, जब भी आप कोई वीडियो या फिर फोटोग्राफी करते हैं तो आपको दिखता रहता है कि जो हमारा फ्रेम है वो बिल्कुल सीधा आ रहा है या फिर नहीं, क्योंकि वीडियो अगर हम थोड़ी भी तिरछी वगैरह शूट करेंगे तो हमारी वीडियो वो प्रोफेशनल नहीं लगेगी। तो वीडियो को अच्छे से कंपोज करने के लिए आप अपने ग्रिड लाइंस को हमेशा ऑन रखें। अब जो दूसरी चीज़ है हमारी वो है वीडियो रेजोल्यूशन, यानी कि आपको अपनी वीडियो किस पर शूट करना है, HD पर, फुल HD पर या फिर 4K पर। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है FPS, यानी कि फ्रेम पर सेकंड, यानी आपको अपनी वीडियो को कितने फ्रेम पर सेकंड पर शूट करना है। तो नॉर्मली हम लोग 30 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो को शूट करते हैं, और अगर आप अपनी वीडियो को 60 FPS पर शूट करेंगे तो आपकी जो वीडियो होगी वो थोड़ा सा स्मूथ दिखेगी और इसको आप बाद में स्लो मोशन में भी कर सकते हैं, लेकिन 30 FPS वाली वीडियो को स्लो मोशन में नहीं कर सकते। अब जो एक और मेन चीज़ आती है हमारी वीडियो में वो है एक्सपोज़र। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी या फिर आप भी ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करते होंगे जहाँ पर आप देखते होंगे लाइट जो है वो कम बढ़ होती रहती है, कभी डार्क सीन हो जाता है, कभी एकदम से ब्राइट हो जाता है। वो क्यों होता है? वो सिर्फ एक्सपोज़र की वजह से होता है। अगर आपका एक्सपोज़र जो है वो ऑटो रहेगा तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो जब भी आप एक प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्ड करें तो हमेशा आप अपने एक्सपोज़र को लॉक कर लें। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद जो आपका एक्सपोज़र और फोकस है वो दोनों ही लॉक हो जाएंगे। उसके बाद आप जितना भी आप मोबाइल को ऊपर नीचे करेंगे या फिर इधर उधर कहीं भी करेंगे, डार्क सीन में ले जाएंगे या ब्राइट में ले जाएंगे, आपका जो एक्सपोज़र है वो एक ही जैसा रहेगा। आपकी वीडियो में बार बार लाइट कम बढ़ नहीं होगी। तो अभी आप देख सकते हैं एक्सपोज़र लॉक करने के बाद जो हमारी वीडियो है वो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। जो लाइट है वो ज़रा भी कम या ज़्यादा नहीं हो रही है, उस वजह से हमारी वीडियो देखने में और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लग रही है। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वीडियो स्टेबलाइजेशन। अगर आपके मोबाइल में EIS या फिर OIS है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपके मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता है तो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ेगा बार बार अपनी वीडियोज़ क्लिप को स्टेबलाइज़ करने के लिए। तो आपको अपने कैमरे की सेटिंग में जाकर स्टेबलाइजेशन वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो अब जिन लोगों को नहीं पता स्टेबलाइजेशन क्या होता है तो मैं उनको बता दूं, तो जब भी हम कोई मूविंग शॉट ले रहे होते हैं चलने वाला, तो जो हमारी वीडियो फुटेज होती है वो जर्की आती है, यानी कि हिलती हुई आती है। इस वजह से जो हमारी वीडियो है वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन ऑन होने के बाद जो हमारी वीडियो है वो कितनी ज़्यादा स्मूथ दिखती है। अगर आपके मोबाइल में स्टेबलाइजेशन सपोर्ट नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपको अपनी वीडियो को स्टेबलाइज कैसे करना है दूसरी वीडियो बनाकर। तो अब बात करते हैं क्लोज़अप शॉट की, यानी कि पास की शॉट की। जब भी हमें कोई पास से शॉट लेना होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके पीछे का बैकग्राउंड, उसे हमें ब्लर दिखाना होता है, तो सिंपली आप अपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके कैमरे को पास ले जाकर बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पर पैनिंग करेंगे, यानी कि जो आपका कैमरा अगर ऊपर से अपने सब्जेक्ट पर आ रहा होगा तो आपका बैकग्राउंड पहले से ब्लर नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने फोकस को लॉक्ड कर लेना है, अपने सब्जेक्ट पर रखना है पहले अपना कैमरा, उसके ऊपर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, जो आपका फोकस होगा वो लॉक्ड हो जाएगा। फिर आप कैमरा किधर भी मूव करेंगे आपका फोकस लूज़ नहीं होगा। और अगर ये सारे फीचर्स अगर आपके मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और ओपन कैमरा को सर्च करके डाउनलोड कर लेना है।
अब इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी ईजी है, आपको ऊपर ही एक्सपोजर लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा और जैसे ही आप इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको फोकस लॉक का भी ऑप्शन मिल जाएगा और आपको सेटिंग में जाकर और भी वीडियो सेटिंग की सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी, जैसे कि वीडियो का रेजोल्यूशन हो गया, वीडियो का FPS हो गया, बिट रेट हो गया, सभी कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आपके मोबाइल में वाइड एंगल लेंस है तो आप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे क्या होता है जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा कवर होता है और हमारी वीडियो एकदम सिनेमैटिक लगती है, एक फिल्म लुक आता है वीडियो में। तो अगर आप वाइड एंगल लेंस का यूज़ करके लो एंगल शॉट निकालेंगे वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक वाइड एंगल लेंस का यूज़ करके सिनेमैटिक शॉट ले रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा लो एंगल पर शूट कर रहा हूँ और जो एक्सपोजर है वो मैंने लॉक कर रखा है। अब जो सबसे मेन चीज़ है सिनेमेटोग्राफी में वो है स्लो मोशन। आपको दो चार शॉट स्लो मोशन के ज़रूर लेना है, उससे क्या होता है जो आपकी सिनेमेटोग्राफी होती है उसमें मानो चार चांद ही लग जाते हैं। और आपको साथ में ही स्लो और फास्ट वाला इफेक्ट भी ज़रूर डालना है स्लो मोशन में, जैसे आप देखते हैं पहले स्लो होता है फिर फास्ट, या फिर पहले फास्ट फिर एकदम से स्लो फिर फास्ट हो जाता है, तो ये इफेक्ट आपको ज़रूर अप्लाई करना है। तो ये सारे शॉट रिकॉर्ड करने के बाद इन्हें हम सब मर्ज कर लेंगे किनेमास्टर में या फिर आप कहें काइनमास्टर में। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो एडिटिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बता दूंगा जिसमें मैं डिटेल में वीडियो एडिटिंग करने वाला हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद जो सबसे मेन चीज़ होती है वो है म्यूज़िक के साथ इसको मैच कराना, जो हमारी बीट होती है उसके साथ सिंक करना। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी सिनेमैटिक वीडियो उतनी ज़्यादा खास नहीं लगने वाली है। और वो सारे का सारा काम मैंने किया है अपने मोबाइल से ही, जो कि मैंने एडिटर यूज़ करा है वो है किनेमास्टर। तो अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो एडिटिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूज़र नेम है वो है im.creazer। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपका अभी भी कोई सवाल या फिर डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे बता देना और वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।